हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए स्पेशल रेसिपी, वो है रोस्टेड ब्रिंजल्स चिकन के साथ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो चिकन के लिए सामान लिया है वो मैं आपको दिखाती हूं। 3 बड़े प्याज हैं, 4 बड़े टमाटर हैं, 1 400 ग्राम के करीब ब्रिंजल है, 1 टीस्पून हल्दी है, थोड़े से पुदीना के पत्ते हैं, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है, 2 टेबलस्पून मिर्ची है, मिर्ची भी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1.5 किलो चिकन है। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैंने करीबन 3 कलछुल तेल लिया है और ये मस्टर्ड ऑयल है। तेल गर्म हो गया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। एक तरफ मैं बैंगन को रोस्ट करूँगी। इधर हमारी प्याज लाल हो रही है और इधर बैंगन रोस्ट हो गए हैं। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आज की बहुत ख़ास होने वाली है, ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज में कलर आ गया फ्रेंड्स, अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। ज़्यादा लाल नहीं करूँगी मैं, नहीं तो जल जाएगी। फिर इस तरह से चलाना है इसको अच्छे से। ताकि इसका पानी जल जाए। इसमें मैं नमक डाल दी। नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है। अब मैं इसको ढक दूंगी जब तक इसका पानी जलता है, फिर आपको दिखाती हूँ। इसका पानी, चिकन का पानी जल गया है। अब मैं इसमें आधा नींबू डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और पुदीना के पत्ते। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसका पानी अब जल गया चिकन का। अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून मिर्ची है, आप मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इस तरह से चलाना है फिर, ये सब मसाले से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, मैं इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये बिगर खड़े मसाले की भी अच्छा लगता है, और ना ही मैं इसमें गर्म मसाला डाल रही हूँ। मैंने ब्रिंजल को रोस्ट करके उसका पेस्ट बना लिया है, साथ में टमाटर भी है इसमें। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से चला लूँगी मैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही ब्रिंजल और चिकन की। आप भी अपने घर पे ऐसे ही बनाइए, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत खाने में लजीज लगता है। अब मैं 15 मिनट के लिए इसको रखूंगी। अब 15 मिनट हो गए हैं, मैं चेक करती हूँ। देखो कितना अच्छा कलर आया है इसमें।
और तेल भी इतना अच्छा आ गया इसमें ऊपर। अभी मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ थोड़ा टेस्ट के लिए। आपको अगर सूखा बनाना सूखा बना सकते हो, ग्रेवी रखनी है तो ग्रेवी रख सकते हो आप। अभी मैं और इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि पूरी तरह से सूख जाए। इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छे से भून गया है, तेल भी अच्छे से आ गया ऊपर। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया डाल के फिर आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आप ज़रूर बना के खाइए। आप अगर सूखा बनाना है सूखा बना सकते हो इस तरह से, और ग्रेवी करनी है तो आप पानी भी डाल सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स, आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ये रोस्टेड ब्रिंजल चिकन बनाने में 45 मिनट लगे और मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना टेस्टी बना है, और ना ही मैंने इसमें कोई खड़ा मसाला डाला है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी अपने घर पर ऐसे बना सकते हैं कम मसालों में। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आ सकूं।